मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हैं, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है, तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। आप युवा नेता हैं, झारखंड में अब अलग से चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ लड़े, युवाओं को कितना टिकट देंगे? मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला है और युवा है। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद है शांभवी, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, बीना जी है यहाँ पर, युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी है। राजेश इज वे यंगर देन मी, अरुण जी है यहाँ पर, शांभवी भी यहाँ, बीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रहेंगी, हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता जरूर है, युवा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट दे, ये प्रायोरिटी है। झारखंड इलेक्शन जब 5 साल होता है तो एक बार आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, आपके संगठन नजर आते हैं, एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, इसको क्या माना जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उस समय बिहार ही था, दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही, ये सोच जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज्यादा अलग नहीं है झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर, तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीजें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोगों के समक्ष आएंगी।